ये किस थाना के मतलब किसे चौकीदार है? महुआ थाना का है। महुआ थाना का वही पैसा का मांग किया, 20,000 रुपया दो। तो हमने कहा कि सर पैसा कहाँ से हम देंगे, हम अपना हाथ उठाकर थप्पड़ से कहता है कि तुम जाती हो कि न? आपके ऊपर कोई केस है? नहीं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं। आपके ऊपर केस नहीं है, फिर भी आपके घर में पता था कहीं फंसा देगा तब? फंसाएगा, ऐसा थोड़ी ना है, हम लोग भी तो जानते है ना। हम लाइव सोनू टीवी में आपका स्वागत है। अभी हम लोग महुआ में आ चुके हैं और एक बहुत शर्मनाक घटना घटी है, जो देर रात मतलब कि पुलिस आती है और किसी महिला को मतलब कि अशब्द बात बोलती है, और हम ऑन कैमरा नहीं बता सकते हैं, वो गाली देकर मतलब कि से बात करते हैं, ये सब अच्छा बात नहीं है। और उन महिला से मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? जी सर, 13 तारीख को रात्रि में अंकित कुमार लड़का नाम का मेरे घर में 2-4 गो पुलिस के साथ आया और हल्ला करने लगा कि खोलिए गेट, खोलिए। हमने देर किए गेट खोलने में, इतने में पूरा हल्ला गुल्ला करने लगा, फिर गेट खोले। तो आप नहीं पूछे थे कि क्यों गेट क्यों खोले? हम पूछे तो बोला कि नहीं गेट खोलो। क्या काम है आपको? आप पूछ रीजन नहीं पूछे कि नहीं, क्या काम? काम बताइए ना। बोलवे नहीं किया, सीधे कहा खोलो खोलो, पूरा गेट पिटने लगा। तो फिर हम गेट खोल दिए। तो ऐसे ही मतलब किसे बिना कोई भी आएगा आपको बोल देगा गेट खोलने के लिए, तो आप गेट खोल दीजिएगा? ना ना, वो पिटने लगा गेट, इतना ना वो अति करने लगा कि हम लोग डर गए। फिर गेट खोले तो हम कहें कि बात क्या है, बताइए सर बात क्या है। तो कुछ बता नहीं रहा है। फिर इनको बुलाया, इनसे पूछता है किसे, अरे फलना का नाम जानता है, चिल्ला का नाम जानता है। ये बोले कि हम नहीं जानते हैं, तो नहीं जानता है तुम, चलो चलो चलो। इनसे फिर पैंट और शर्ट पहनवा करके ले जाने लगा। कहाँ लेके जाने लगा? बाहर ले गया, निकाल करके बाहर ले गया। तो फिर हम एकदम पूरा रोने लगे, हम कहने लगे क्यों ले जा रहे हैं इनको, कोई हमको सबूत बताइए आखिर बात। अच्छा, वो लोग कितने संख्या में थे? वो लोग 4-5 आदमी बाहर था, 2 आदमी अंदर आया। चार पांच आदमी अंदर आपके घर में अंदर थे? दो आदमी अंदर थे और कलर का एक और था। अंकित कौन है? अंकित चकुदार है, कन्हौली उसका घर पड़ता है। वो चकुदार है जी। और मतलब एक और व्यक्ति है, क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया जसवाल। अच्छा, पुलिस कितने बजे रात के आपके घर पे आई थी? नेट 1 बज रहा था, 1:30 के आसपास में था। 1 और 1:30 के बीच में आया था। क्या आप मतलब इसे कैसे घर में कैसे को? 1:30 बज रहा था, रात हो रहा था, 1:30 बजे काफी रात, लोगों घर में सो रहे होते हैं उस टाइम, सोने का समय होता है, फिर भी आप लोग गेट क्यों खोले? वो तो किरदार उदार का नाम ले रहा था, तो हम लोग सोचे कोई किरदार उदार है तो क्या है नहीं है। अब पुलिस उलिस था बहुत सारा। अच्छा, पुलिस आएगा और आपको बोलेगा कि इसे गेट खोल दीजिए तो आप खोल दीजिएगा? तो गलत की, आपको नहीं खोलना चाहिए था। आपको, आप पढ़ी लिखी हैं, आपको बोलना चाहिए था कि सर आप किस चीज के लिए आप आए हैं, कौन सा मेरे ऊपर केस है, हमने कौन जुर्म किया है, मेरे ऊपर अगर कोई केस है, हम जुर्म किए हैं तो उसका मतलब किसे आप नोटिस तो दीजिएगा। बिना नोटिस का घर में कैसे घुस गए? आप नहीं पूछे डायरेक्ट? अब हम लोग सोचे कि क्या बात है कि इतना पीट रहा है जोर जोर से, तो हम लोग भी यही सोच के खोले कि इतना दुर्गा पर पूरा दरवाजा पर हल्ला होगा तो डर लगेगा ना। वो एकदम बहुत सारा फोर्स था, तो हम लोग को भी सोचे कि क्या है नहीं है, देखते हैं थोड़ा खोल के। खोलने के बाद तो यहाँ पर लोग जो दूसरे धांधली करने लगे कि क्या आपके ऊपर कोई केस? अंकित कुमार जो चौकीदार है से किस थाना में मतलब किसे किस क्षेत्र का है? वो कन्हौली धनराज का, कन्हौली धनराज के हैं। ये कौन सा जगह है? ये महुआ मुकुंदपुर है, यहाँ का वो नहीं है। मतलब कि आपके यहाँ का वो चौकीदार नहीं है? यहाँ का फिर भी आपके घर में आ गया? यहाँ का नसीम उनका नाम है, यहाँ का चौकीदार का नाम नसीम है जी। तो वो नहीं थे। मतलब कि आपके यहाँ के जो चौकीदार है वो नहीं थे, दूसरे जगह के चौकीदार आ गए? दूसरा तो बहुत गलत किए हैं वो। गलत है तभी तो आगे बढ़ रहा है। तो उनको तो सजा मिलना चाहिए ना, वो तो अनलीगल काम किए, बहुत गलत किए। वो आकर के और गेट खुलवाया, जबरदस्ती करने लगा खोलो खोलो, हमको लेट हुआ तो पूरा एकदम गेट पिटने लगा। तब हम डर के मारे खोल दिए गेट, इतने में मेरा आदमी को पूरा खोज करके अतुल फतुल बोलने लगा, फलना का नाम बताइए, चिल्ला का नाम बताइए करने लगा, और 20,000 रुपया का मांग किया। हमने कहा कि हम कहाँ से देंगे, गरीब आदमी। अच्छा, एक चीज बताइए, जो मतलब कि चौकीदार है
तो उसके मतलब कि उसको तो सजा मिलना चाहिए ना जी सर, सजा मिलना चाहिए, नहीं तो अब एसपी साहब क्या करते हैं देखते हैं। आपको भरोसा है एसपी साहब? है नहीं तो ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। एसपी साहब से क्या उम्मीद रख रहे हैं? क्या यही कि वो एकदम न्याय देंगे, उचित जो न्याय बनता है वो न्याय देंगे। और वो जी सर यहाँ महुआ में दो चार गो के सुने हैं कि घर में ऐसा ही सही किया है, एगो के नहीं कई गो के घर में ऐसा कांड सुने की किया है, ऐसा ही सुनने के लिए हम लोग को मिल रहा है। हम लोग को सुनने के लिए मिल रहा है कि जो अंकित चकुदार है जो मतलब कि ऐसा ही कामे करता है, मतलब किसी किसी के घर में पैसा का डिमांड करवा, तीन चार गो के घर में ऐसा ही किया है रंगदारी, लेकिन डरे लोग कोई नहीं बोल रहा है। सभी लोग तो जिसके जिसके घर में जाते हैं वो लोग आवाज उठाते हैं, अब इनसे बोला आवाज उठाए चाहे नहीं, हम मेरे घर में हुआ तो हम तो आवाज उठाएंगे क्योंकि गलत है से गलत है। आपके घर में हुआ है तो आवाज देखिए, सभी लोग से मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग को गलत हो रहा है तो चुप नहीं रहिए, क्योंकि उससे और बढ़ावा मतलब कि उनको मनोबल बढ़ जाता है, बढ़ता है और हमको फिर पैसा का व्यवस्था कहीं से भी करके उनको देना पड़ेगा अगर चुप रहेंगे तो। चुप रहिएगा तो कहीं ना कहीं से देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। चुप क्यों रहेंगे, चुप रहना ही नहीं है उसको, एकदम जो होना चाहिए उसको होना है, हम गरीब आदमी है कहाँ से पैसा देंगे उसको, उसको सजा मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा देंगे। और वो धमका कर गया है सर, छोटा छोटा आदमी पढ़ाएगा कर दिया है सबको पैसा, यहाँ वहाँ कैसे ये सब करेगा बताइए तो। अच्छा पैसा हम लोग से तो अच्छा से पैसे नहीं आए, वो तो एकदम लग रहा था कैसे कि जैसे कि कोई मुजरी मुजरी में वैसे पकड़ के लेके साइड में चला गया, एकदम चिल्लाने लगा जोर जोर से एकदम बोलेगी। इससे पहले आप लोग के ऊपर अपने आपके फैमिली के ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है क्या? तो सब कोर्ट में चल रहा है, उन लोग का सब फैसला हो चुका है, सब कोर्ट में चल रहा है, क्लियर हो गया, सब फैसला हो चुका है, मैं दोनों लड़का का रिहाई हो चुका है, सब कोर्ट में चल रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं, हम डीआईजी हो गया है इन लोग का, छोड़ेंगे नहीं। मतलब कि से रिहाई बेल मिल गया है फिर भी मतलब कि वो लोग मतलब कर रहे हैं। उसी मैटर पे आए थे कि मैटर वो था, वो मैटर नहीं था, वो मैटर नहीं था, रंगदारी के लिए गुस्सा है, रंगदारी के लिए गुस्सा है, ये सोचा ना कि रंगदारी करके 20,000-25,000 घर में छापे मारी एकदम मारना से। भाई छापे मारी मारने के लिए आप आए हैं तो हमारा घर में छापा मारी कीजिए तो कुछ निकलेगा तब ना, कुछ प्रूफ निकलेगा तब ना, तब ना कुछ नहीं निकला तो सोचे कि से कुछ पैसा ही लेके यहाँ से चले जाए, और बोले कल शाम तक नहीं पैसा पहुँचाइएगा तो परसों आपको कुछ सब परिवार को किसे यहाँ से मतलब यहाँ तक बोल के गए कि अभी नहीं मिला तो फिर मतलब कि बात का टाइम ही दे रहे हैं, टाइम शाम टाइम का परिवार से ये शाम तक टाइम ही दिए कि हाँ शाम तक पैसा पहुँचा दीजिएगा नहीं तो फंसवा देंगे। उतना कहने के बाद वो छोड़े, नहीं तो समझिए कि ले जाते, उतना बोलने के बाद छोड़े से ऐसा वो धमकाया हम लोग पर, ऐसा वो अंकित कुमार लड़का है। अच्छा एसपी साहब के पास आप लोग कंप्लेन जो किए हैं तो उधर से कोई सुनवाई आया है कुछ? अभी तो किए ही है, उनको पता नहीं कान में गया है नहीं गया, अगर न्यूज देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा, तो अपने रिएक्शन लेवे करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना किसी, अभी उनको पता नहीं चला है। अब मिले हैं, हाँ उनसे मिले हैं, आवेदन दे दिए हैं, आवेदन दे दिए हैं जी सर, उनको आवेदन दे दिए, आवेदन दे दिए, साइन भी ले लिए हैं। चलिए मतलब आवेदन दे के आप मतलब उनसे रिसीविंग ले चुके हैं। चलिए देखिए आप लोग को हम रिसीविंग भी दिखाएंगे, ये रिसीविंग रखे। ऊपर कोई केस है? नहीं मेरे ऊपर कोई केस नहीं। आपके ऊपर केस नहीं है फिर भी आपके घर में पुलिस घुस रही है? कोई बहुत शर्म की बात है, शर्म की बात है। और देखिए आप महिला है, आप महिला है तो क्या, इधर आ जाइए थोड़ा सा, क्या आप महिला है तो आपके घर में पुलिस जब आई तो क्या महिला पुलिस लेके आया था? महिला पुलिस नहीं था, एक भी नहीं, एक भी नहीं था, फिर भी आपके घर में घुस गया, फिर भी घुस गया। देखिए मतलब किसे बिना महिला पुलिस के मतलब कि किसी के लेडीज के घर में 12 बजे 1 बजे घुस जाना ये कितना गलत बात है, ये अच्छा बात नहीं है। हाँ वही बात है, इसलिए तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि गलत बात है ना, रात के 1 बजे किसी के घर में एंट्री मार देना पुलिस। अब मेरे ऊपर ना कोई नोटिस है ना कुछ बात है, डायरेक्ट कोई नोटिस नहीं है लेकिन पुलिस घर में घुस जाती है, धमकी दे देना कि पैसा पहुंचा दीजिए नहीं तो कोई केस में आप लोग को पूरे परिवार को फंसा। पुलिस देखिए पुलिस का कितना तानाशाही चल रहा है, डायरेक्ट घर में घुस के आ जाना और बोलना कि हाँ हमको इतना पैसा का डिमांड कर देना, इतना पैसा दो नहीं तो पूरा परिवार को हम फंसा देंगे, फंसा देंगे आप लोग पैसा।